लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका लाइव टीवी एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां इंदिरा नगर वार्ड 86 के दिवंगत स्वर्गवासी पार्षद वीरेंद्र कुमार जसवानी को आज नीरज सिंह भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ने श्रद्धांजलि अर्पित की उनके आवास पर आकर। नीरज सिंह भारतीय जनता पार्टी युवा दिलों की धड़कन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के बेटे हैं। आज लखनऊ आने पर वीरेंद्र कुमार वीरू को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके चित्र पर माला चढ़ाकर उनको नमन किया। उनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कई युवा नेता साथ में थे। नीरज सिंह ने कहा कि वीरू भाई की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम लोग उनकी चर्चा ना करें। उन्होंने इस महामारी में, इस कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। उनके परिवार को आश्वासन भी दिया कि पूरी तरीके से पार्टी उनके साथ है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं। सभी को कष्ट है। वीरू एक नेक बंदे थे, सभी के लिए सोचते थे, सभी का सम्मान करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी में त्याग कर दिया। सूरज जसवानी से खास मुलाकात की, कई विषयों पर चर्चा भी हुई। समीर नकवी की खास रिपोर्ट। वो मतलब अब वो है या नहीं, पर हम लोग के लिए वो ऐसे ही रहेगा। आप लोग भी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हैं, तो हम लोग को आज भी चर्चा, जब हम लोग जब भी होते हैं तो दिन में एक बार चर्चा, और खासकर ये रामकृष्ण यहाँ बैठे हैं, पार्षद भाई जितने भी उनके साथ काम किए हैं, जो विगत पिछले 3-4 वर्षों में है, मुझे नहीं लगता कोई दिन आप लोग का गुजरता होगा जब उसकी चर्चा नहीं हो जाएगी। सदन में भी, नगर निगम सदन में भी आपने, और वो भी पूरा अपने काम को लेकर बहुत भावुक, पूरे कोरोना काल में तो काम कई लोग बहुत हिचकते थे जी, निकलने से, पर वो जो है, और आखिर में जो है उसी कोरोना में जो। तो अभी की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। नमस्कार।